जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, इंडियन क्रिकेट जो है आने वाले कुछ सालों में एक ट्रांजिशन फेज में जाने वाला, जहां पर कि हमारे जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो क्रिकेट को अलविदा कहेंगे और जो आज की तारीख के नए खिलाड़ी हैं जो थोड़े बहुत स्टेब्लिश हो गए हैं उनको कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी इंडियन क्रिकेट को आगे लेकर जाने। एंड ऐसा नहीं है कि हमारे पास प्रॉमिसिंग टैलेंट नहीं है, हमारे पास प्रॉमिसिंग टैलेंट मौजूद है और वो लोग अपने क्षमताओं को शोकेस भी कर रहे हैं। जैसे विराट कोहली की अगर हम बात करें तो उनको किंग कोहली कहा जाता है, ऐसे ही शुभमन गिल को प्रिंस यूनी नहीं कहा जाता। हालांकि थोड़े मैच में अभी शुभमन ने थोड़ा स्ट्रगल किया है, बट स्टिल टेस्ट मैच में आप उसकी काबिलियत के ऊपर शक नहीं कर सकते। शुभमन गिल ने बतौर ओपनर अपना डेब्यू किया था, उसके बाद उन्होंने इच्छा जताई थी कि वो तीसरे नंबर पर बैटिंग करने को लेकर ज्यादा सहज है, जिसके की बात उनको उनकी मन मुताबिक पोजीशन दी गई। जायसवाल अब ओपनिंग कर रहे हैं रोहित शर्मा के साथ में, शुभमन गिल तीसरे नंबर पर बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं। एंड शुभमन ने वहां पर भी अपनी परफॉर्मेंस से ये साबित किया है कि वो बंदा वाकई में एक वर्सटाइल बैट्समैन है और उसके अंदर काबिलियत है मौके पर चौका मारने की। शुभमन गिल ने दरअसल अपना पहला टेस्ट शतक बांग्लादेश के खिलाफ ही दिसंबर 2022 में लगाया और अब इसी के खिलाफ उन्होंने अपने करियर का पांचवा शतक भी जड़ा है। दोनों शतकों में एक सिमिलैरिटी यह है कि पहली पारी में फेल होने के बाद उन्होंने दूसरी पारी में शानदार वापसी करते हुए सेंचुरी लगाई। अमूमन टेस्ट क्रिकेट में ये बात कही जाती है कि सेकेंड इनिंग में बैटिंग करना फर्स्ट इनिंग के कंपैरिजन में थोड़ा टफ होता है, लेकिन गिल तो यहां पर ऐसा लगता है कि टफ सिचुएशन को ही गले लगाने के लिए निकल पड़ा है। दरअसल टेस्ट क्रिकेट में लगातार अच्छा खेल पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, यही कारण है कि हर खिलाड़ी 50 टेस्ट या 100 टेस्ट के जादुई आंकड़े तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। इसके लिए अपने काम को लगातार बखूबी अंजाम देना पड़ता, खासतौर पर उस खिलाड़ी से ऐसी उम्मीदें ज्यादा होती हैं जिनमें प्रतिभा का लगातार हर तरफ गुणगान होता है। टीम इंडिया में ये स्थिति आज की तारीख में शुभमन गिल की है, जिन्हें पिछले करीब 4-5 सालों से टीम इंडिया का फ्यूचर बताया जा रहा है। वनडे में तो उन्होंने इसे साबित किया भी, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उन्हें थोड़ी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद धीरे धीरे गिल खुद को स्थापित कर रहा है और इसमें उनकी बैटिंग के उस पहलू का भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, जिसमें बड़े बड़े बैट्समैन को भी काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। और समझ में सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरी पारी में जो उनकी बैटिंग है उसी ने इस चीज को कहीं ना कहीं एस्केलेट कर दिया। दरअसल गिल की दूसरी पारी में बैटिंग पर जो बातचीत है वो इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ चेन्नई टेस्ट के तीसरे दिन का शानदार शतक जमाया। शनिवार 21 सितंबर को गिल ने 119 नॉट आउट की बेहतरीन पारी खेली। उनकी ये सेंचुरी टीम इंडिया की दूसरी और मैच की तीसरी पारी में आई थी। किसी भी टेस्ट मैच में टीम की दूसरी पारी में जो उस मैच की तीसरी या चौथी पारी होती है बैटिंग करना आसान नहीं होता, खासतौर पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, क्योंकि यहां के मैदानों पर जो पिच है वो तीसरी और चौथी पारी के आने तक टूटने लगती है और स्पिनर्स को काफी ज्यादा परचेज मिलने लगती है। टीम की दूसरी पारी में बैटिंग की ये मुश्किल एक ऐसी वजह है जो आमतौर पर पारियों में ज्यादा बड़े स्कोर नहीं दिखते। हर बल्लेबाज इन पारियों की चुनौतियों का सामना नहीं कर पाता, लेकिन शुभमन गिल एक अलग बल्लेबाज है। उन्होंने 26 टेस्ट मैच के अपने करियर में ज्यादातर मौकों पर टीम की पहली पारी में स्ट्रगल करते हुए दिखे। चेन्नई में जो पिच थी वो ऑब्वियसली बात है थोड़ी सी खराब थी, तो यहां पर उन्होंने भी सेकेंड इनिंग में बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दिखाया, लेकिन फर्स्ट इनिंग की नाकामी के बाद गिल को जमकर ट्रोल भी किया गया था। लेकिन बात वही होती है, जब इंसान अपने बल्ले से जवाब दे सकता है तो फिर मुंह से जवाब देने की आखिर जरूरत ही क्या है। आंकड़े इसकी तस्दीक भी करते हैं, गिल ने 2020-21 में ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर अपना टेस्ट डेब्यू किया था। उन्होंने अपनी पहला अर्धशतक ब्रिस्बेन में लगाया था जब 91 रन पर वो आउट हुए थे। हैरानी नहीं है कि उन्होंने ये रन भारत की दूसरी पारी और मैच की चौथी पारी में जाकर बनाए थे। एक ऐतिहासिक रन चेस करते हुए उनकी ये पारी आई थी। गिल को अपने पहले शतक के लिए लंबा इंतजार भी करना पड़ा और जब दिसंबर 2022 में वो आया तब भी वो टीम की दूसरी पारी में ही आया। तब गिल ने बांग्लादेश के खिलाफ मैच की तीसरी पारी में 110 रन बनाए थे। इसके बाद भी उन्हें ज्यादा सक्सेस नहीं मिली और इस साल इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के बाद उनकी जगह पर भी सवाल उठने लगे। लेकिन विशाखापट्टनम टेस्ट में भारत की दूसरी पारी में 104 रन जड़कर उन्होंने सभी का मुंह बंद कर दिया। दरअसल राजकोट में हुए अगले मैच में ही टेस्ट में उन्होंने 91 रन की पारी एक बार फिर खेली और शतक से चूक गए। इसके बाद रांची में भी उन्होंने इसी तरह से 50 रन नॉट आउट बनाए। कुल मिलाकर गिल ने अपने करियर में अभी तक 26 टेस्ट मैचों की 26 पारी में पहली पारी में बैटिंग करी है और सिर्फ 28 के एवरेज से 744 रन बनाए, जिसमें 2 सेंचुरी और 2 अर्धशतक है। वहीं 22 बार दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने
51 के एक बेहतरीन एवरेज के साथ में 867 रन बनाए, जिनमें 3 सेंचुरी और 4 हाफ सेंचुरी शामिल है। अब अगर इसकी तुलना विराट कोहली और स्टीव स्मिथ जैसे बैट्समैन से करें तो गिल काफी आगे हैं। कोहली ने दूसरी पारी में 37.9 के एवरेज से 2700 रन बनाए, वहीं स्मिथ ने 39 के एवरेज से 2700 रन बनाए हैं, जिसमें 4 सेंचुरी और 19 हाफ सेंचुरी शामिल है। देखिए, आने वाले समय में गिल वाकई में अपनी चीजों को, अपनी कला को काफी अच्छे तरीके से शोकेस करेंगे, सबको पता है। बट बात वही है कि उस ट्रांजिशन फेज में गिल को उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उनके ही ऊपर। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही, जय हिंद जय भारत।